और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, और आपको बताएं कि चीन के गंगटोक सहरा में ऊँटों की सवारी एक मकबूल तरीन तफरी है, जिसमें मुकामी हुकाम ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहरा में ट्रैफिक लाइट का होना एक नाकाबिले यकीन बल्कि मुज़ाहका खेज बात लगती है। तहम चीन ऐसा नहीं सोचता, उसके रेगिस्तान में बाकायदा ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब कर दिए गए हैं। चीन के कुमताक सहरा में ऊँटों की सवारी एक मकबूल तफरी है, जिसके लिए मकामी हुकाम ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स आपको मंगशा माउंटेन के रेत के टेलों और गांसु सूबे के क्रिसन लेक नेचर पार्क में जगह जगह नजर आएंगे। मई के आगाज में सालाना तातीलात के दौरान हजारों लोग इन कुदरती सियाहती मकाम पर आते हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होते हैं, जिनमें सबसे मकबूल ऊँटों की सवारी है। 2023 में मंगशा माउंटेन और क्रिसन नेचर पार्क में सवारी के लिए तकरीबन 2400 ऊँट मौजूद थे, और साथ ही साथ दसियों हजार सयाह की यौमिया तादाद देखने में आई, जिसके नतीजे में ऊँटों और लोगों की भीड़ से काफी मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। यही वजह है कि इस मसले को हल करने के लिए मकामी हुकाम ने खित्ते में ऊँटों के ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया।